बाने बोले कि बोले बेटा तुम लोग आओगे हमारे पास भीख मांगने के लिए। बोले क्या हो गया अब्बा? रो रहे हो तुम लोग अभी? रो रो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जोक बड़ी छोटी सी दुनिया में। आप लोग सोच रहे होंगे कल हमारा व्लॉग क्यों नहीं आया था गाइस। तो हमारा व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि निधा की तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जो डेली रूटीन आप लोगों को हम लोगों ने दिखाए थे उसमें निधा को जो वॉमिट हुई, तो वो वॉमिट उसको नेक्स्ट डे तक भी कंटिन्यू हुई है गाइस। वो नेक्स्ट डे कम से कम उसको कल के दिन 6 के 6 वॉमिट हुई। तो मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए हम लोगों ने व्लॉग नहीं बनाया। मैंने उसको कहा कि तू अपनी मर्जी से देखो जो करना है कर गाइस। उसने कुछ भी नहीं करी, अपनी मर्जी से लेटी हुई थी। तो गाइस आज भी जो है वो उसकी तबीयत खराब ही है, वो यहाँ पर लेटी हुई है और बार बार बोलने भी अच्छा लग नहीं रहा है कि उसकी तबीयत खराब है, उसकी तबीयत खराब है, क्योंकि और कुछ हमारे पास है ही नहीं। क्योंकि जो जेन्युइनली हो रहा है हम वही बताएंगे, नहीं होगा तो हम अपनी मर्जी से तो नहीं बना के बताएंगे कि भाई इसकी तबीयत सही में खराब है या नहीं है। तो भी जो है वो है, इसलिए हम लोगों ने सोचे कि आज हम लोग चले जाते हैं बॉम्बे, वहां पे जाके डॉक्टर को दिखा देंगे अच्छे। और गाइस हमें हॉस्पिटल में नाम भी लिखाने जाना है। तो गाइस हम लोग फाइनली निकल चुके हैं बॉम्बे के लिए। जैसे कि आपको सुफियान ने बताया थे पहले कि मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, हमारा हॉस्पिटल में नाम लिखाने का बहुत जल्दी टाइम आ गया। और ये बोलना था कि हम लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आइजल को, स्पेशली तो मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ। तो अभी सुफियान ने उनको बोले है, आइजल आई भी है नानी के घर पे, बोले कि प्लीज रुका के रखना आइजल को कि हम लोग जब तक आए थोड़ा खेलेंगे उसके साथ, फिर भले से वो चले जाए। सो लेट्स सी, अगर आइजल रहेगी घर पे तो जरूर आप लोग को बताएंगे। तुम्हारा दांत दिखे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली आइजल के पास और अभी हम जाएंगे आइजल से बात करने। आइजू मम्मा, मामा आ गए तुम, अल्ले अल्ले बाबा, ओ अल्ले बाबा, अल्ले बाबा क्या कर, अरे हंसती अल्ले बूम बूम चिकी चिकी बूम चिकी 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 बूम चिकी चिकी बूम बूम चिकी चिकी बूम कितना हंसती देखो ना, बूम चिकी चिकी बूम चिकी 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 बूम चिकी चिकी बूम। देखो गाइस बच्ची को परेशान करने आ गई है, अच्छा खासा मेरे साथ हंस रही थी, अब इसके पास रोएगी मेरे को लग रहा है। ये हंस रही है, सैनिटाइज किया कि नहीं खुद को? मेरे को भी बता दो, इसको भी सैनिटाइज कर दो, डेटॉल डाल के इसके ऊपर। हम लोगों को बॉम्बे आने से ज्यादा एक्साइटमेंट थी आइडल से मिलने की। बोला आइडल से मिल जाएंगे, पहले बोलते थे मम्मी अब्बा से मिलेंगे, अब बोलते आइडल से मिलेंगे। देखो हम क्या दिन आ गए, घर में कोई नया आता है पुराने पुराने हो जाता है, एकदम पुराने दाल चावल हो जाते हैं और नई बिरयानी हो जाती है। अजू जी जी, 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 उसको अंधेरा लग रहा है तुम्हारे काले कपड़े से। देखो ना, तो गाइस हमें बहुत सारे कॉमेंट आ रहे, मतलब हमें नहीं मम्मी और अब्बा के चैनल पे कमेंट आ रहे हैं कि नौशीन, दानिश और सुफियान और निदा का व्लॉग क्यों नहीं आया। तो गाइस अभी आज मैं आप लोगों को पूछवा रहा था कि व्लॉग क्यों नहीं आया, बता रहे व्लॉग क्यों नहीं आया तुम लोग का? अच्छा तुम लोग गए थे इसके लिए। तो गाइस देख ले आप लोगों ने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अपना सब टेंशन में आगे बोले कि क्या हुआ दोनों का व्लॉग नहीं आया, बोले दो चैनल का। मतलब हफ्ते में ऐसा एक करोगे, एक दिन कोई नहीं डाले, मम्मी लोग के व्लॉग चले, मतलब वही व्लॉग से भी पूरे व्यूज कमा लोगे ना, कितने शाणे लोगे। देखे ऐसा नहीं कि बोले कि बच्चों लोग तुम लोग एक भी दिन का खाड़ा मत, तुम लोग रोज व्लॉग डालो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम लोग आराम करने की जरूरत नहीं है, 5 साल से हम लोग आराम ही कर रहे, कोई बात नहीं। हाँ नहीं तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कब से मम्मी को मैं बोल रहा हूँ खाना निकालो खाना निकालो खाना निकालो, कि मम्मी को सवारी नहीं, तुम बनाए तो निकालो कभी, कितने शाणे है गाइस। मम्मी ने दाल चावल बनाया तो मैंने बोला कि मम्मी मैं दाल चावल चिकन खाऊंगा, तो मैंने चिकन बोला अच्छा ठीक है खा ले, मैंने चिकन ऑर्डर कर दिया। बाद में ऑर्डर करने के बाद बोलते बोले हम लोग नहीं मंगाया, मतलब क्यों तुम तो मना किए, बोले तू चिकन खा तो हम लोग भी चिकन, हम लोग दाल चावल गया। वाह मम्मी वाह, यही होता है माँ के ममता। क्या हो गया, सो गई क्या? सो रही है तुम्हारी आवाज़ सुन के। बेटा घर में मालूम होना चाहिए ना कि मामा आया है, घर में अगर मालूम नहीं पड़ेगा किसी के आने से तो घर फिर घर रौनक कैसे करेगा बताओ। घर में एक एंट्री होना चाहिए इंसान की, समझे? मामा आएगा, चलो खाना निकाल। तो गाइस फाइनली खाना निकल चुका है और यहाँ पर मेरी क्रिस्पी और ऑयस्टर चिकन भी आ चुका है। ओ मम्मी नहीं खा रहे तुम? मैं खत्म कर दूंगा, बोलना नहीं मेरे को। अलग डब्बा नहीं, मैं दोनों में थोड़ा थोड़ा निकाल के खाऊंगा। ना मैं अभी निकाल के खाऊंगा थोड़ा उसमें से भी, समझे? हाँ खा लेना, बच्चे का तो खा लेना, वही तो बोल रहा हूँ। आ जाओ बैठ जाओ, इसके लिए बोल रहा हूँ। गाइस मेरा डब्बा लेके जा रहे, मेरा डब्बा है वो, मेरा डब्बा है वो, नहीं मेरा अलग है, वो भी खाऊंगा। हाँ मैं भी खाऊंगा, खट्टी मीठी चिकन डाल दो मेरे को भी डाल दो चलो। और यहाँ का फंगा बन कर दो, खाना ठंडा हो रहा है।
तो गाइस एक और एक भूखा नंगा आ रहा है यहाँ पर। खुशबू है कैसा बेटा? गाइस जब जब मैं जो जो चीज खाने की मंगाता हूँ ना, वो सबको पसंद आती है, चाहे वो मेरा घर हो चाहे वो निदा का घर हो। सबको पता है कि मैं अच्छा खाना मंगाता हूँ, जब भी ये कुछ मंगाती किसी को नहीं पसंद आता। समझे? देखो मैंने दो चीजें मंगाया, सिर्फ दो चीजें, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको खुशबू इतनी अच्छी है, सब लोग खा रहे हो, तुम भी खुद लेके खा रहे हो। समझे? खा सकती ना बाहर का, वो तो तुमने मंगा लिया तो थोड़ा। तो तुम बाहर का अभी नहीं खा सकते? पहले जिंदगी में तुमने कौन सा तीर मार लेने था बाहर का मंगा के? कहा अच्छा मेरी चॉइस बहुत अच्छी, देख लिया देख लिया। नहीं नहीं मेरी कोई चॉइस अच्छी नहीं है, ठीक है ठीक है। खाली एम्बियंस वाली खाना अच्छा नहीं रहता वहाँ पर भी। तो गाइस हम लोगों का खाना वगैरह हो चुका है और घर में आए हैं अब्बा, और अब्बा कुछ तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात कर दी अब्बा ने। बड़ी बात नहीं, नहीं नहीं बोलो बोलो। हाँ क्या बोले? मैं कभी बड़ी बात नहीं किया, जितनी औकात है उतनी चाहता। अरे मेन बात तो बोलो। क्या बोलो? बोलना तो तुम व्लॉग की बात कर रहे थे। मना करती है मना। गाइस मैं बताता हूँ क्या बोले उन्होंने। बोले कि बोले अभी देख देखे आए ना लाइन पे, तुम लोग मेरी कदर नहीं करते, हम लोग दोनों। हाँ कितना, ऐसी तो बात ही नहीं हुई। सीधा घर में घुसते ही बड़ी बात की अब्बा ने, बोले देख बेटा दो घंटे में ना। हाँ बोल। इन्हें बोले अपन दोनों के व्लॉग नहीं आए ना तो इनके व्यूज बहुत अच्छे आ गए, तो बोले हाँ। रोज डालना नहीं, फिर मम्मी बोले रोज डालना नहीं ऐसा तुम लोग। पापा बोले की वो मैं तो की दो घंटे में बोले 80,000 व्यूज। अरे माँ अब्बा क्या किए तुमने, ये अब्बा पास दिए चलती व्लॉग में पास दिए तुमने। जैसी सांस ली ना तुम पाते हो करके अंदर के लिए क्या मैंने। अच्छा इधर अब्बा ने क्या बोला अभी, क्या बड़ी बात की है? नहीं सुनी जान। अब्बा ने बोले कि बोले बेटा देख तुम लोग जो मेरे को बोल रहे हो ना, नहीं एक सेकंड, बोले जैसी मैं गांव पहुंचूंगा वैसी बोले हम लोग के दो घंटे में 80,000 व्यूज आने वाले। अब्बा ने ऐसा बोले, और तुम लोग आओगे हमारे पास भीख मांगने के लिए, बोले भाई भाई हमें वीडियो में ले लो। नहीं बोले नहीं बोले नहीं बोले, बोले भीख मांगने आओगे तुम लोग, बोले तो उसका वीडियो में ले लो। तो उसका मतलब वही हुआ, उसका मतलब भीख मांगना ही हुआ गाइस। मैंने क्या बोली कि तुम लोग ऐसी वीडियो मत डालो हफ्ते में एक बार ना। मैंने एक बार नहीं, वो तो बाद में बोले जब मैं वहाँ पर आया पूछने के लिए। मम्मी बोले महीने में एक बार मत डालो, हम लोग अच्छे आएंगे। तू अकड़ के बोलता है। हाँ देख ले मतलब अकड़ के बोलता है। कैसा हेट कमेंट मेरे को, कोशिश कर लो इसका। नहीं 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 मेरे को सब समझ में आता गाइस। ये जब इंसान को नया नया फेम मिलता है ना गाइस, तो इंसान की एरोगेंस, तो इंसान का आकार थोड़ी ऊपर चले जाती है। और गाइस इतने साल से जब मैंने बोला कि एक सेकंड, इतने साल से जब मैं बोला कि यहाँ से शिफ्ट होकर चलो मेरे वहाँ पर कहीं जाते, तो तब नहीं, अब जैसी वीडियो बनाना चालू किया बोले चल यहाँ से चले जाते, यहाँ नहीं रहना है अभी। कौन बोला? वाह 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 वाह। देखो मम्मी तुम्हारे पे नाम डाल रहा है अभी। मम्मी ये व्लॉग में तुम प्रूफ ले लो, तुमने हाँ बोले। कल को अगर उनको तकलीफ ही नाम तुम्हारा लेंगे व्लॉग में जाकर, देख तुमने ही बोली थी। समझे? सोच लो मम्मी। ये बोल रही तो मैं जा रहा घर बेच के जा रहे हैं। मैं बोला इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा ना तो हमारे दो दो घंटे में आएगी। अल्लाह ने चाहनी तू देख गाँव जाके मेरे दो घंटे में। अल्लाह ने चाहनी और तुमने जितने नाड़े बांधे ना दरगाह पे अब्बा सब फूल जाएंगे गाइस। ये रोज दरगाह पे जाके नाड़े बांधते, बोले ये लोग के व्यूज मेरे से ज्यादा है। हमारे घर में ही दुश्मनी हो चुकी है। ये देखो सेम टू सेम बोल रहे, सेम टू सेम। गाइस हम लोग यहाँ पे व्लॉग बना रहे थे और मम्मी अब्बा हम लोग के व्लॉग में, मम्मी बोलते ये अपना चालू करो, लोग के व्लॉग में क्यों बोल रहे हो? बोले देखो कैसा खुद का व्लॉग ले खड़ा हो गया यहाँ पर। देखो ये देखो गाइस अभी समझे गाइस, ये पैसों का चक्कर गाइस बहुत बुरा है। बाप बेटे का नहीं हो रहा है, बेटा बाप का नहीं हो रहा है, बाप बेटी की नहीं हो रही है, बहू दामाद नहीं हो रहे, दामाद बहू नहीं हो रहे, मतलब क्या क्या हो रहा है गाइस। देखो ये देखो कौन मार रहा है, पप्पी दे रहा है। अरे माँ कसम हेट कमेंट गाइस। देखो ये ऐसा ही है, बोलते ना थोड़ा पैसा और थोड़ा फेम आया था ना इंसान के पास। हाँ चार बंदे लड़ रहे ना तो बिल्ली फायदा उठा रही थी। अरे तुम क्या कर रहे हो ये? बोले जान दे पागलों के बीच में कुछ बोलूंगी तो मेरे भी पागल बोलेंगे। तो गाइस हमारी गुड़िया जा रही है बिचारी। तू क्या हंसी देखो, थोड़ी गुड़िया बोला, गुड़िया गुड़िया के साथ गुड़िया जा, देखो ना बुढ़िया के साथ गुड़िया जा रही है। तो फिर से निदा का मुंह उतर गया, निदा उस दिन रो रही थी, जा रही थी कल, तो एक कल लेके आना उसको अकेले में छोड़ देना। एक गुड़िया फिर नाराज हो रही है, इतना झूठा हंसी ना तुम्हारा दिल रखने के लिए अब्बा। चलो अरे अरे बेचारा कूली भी जा रहा है। निंजा चाचा वाला। चल अल्लाह हाफिज़।
फाइनली अब वक्त आ गया है घर जाने का, बट गाइस हम लोग घर जाने के निकल रहे थे, 2 बज गए। तो गाइस 12 बजे से लेके 2 बजे तक मम्मी और अब्बा ने हम लोगों को भाषण दिए और यहाँ पर बैठ के दोनों रो रहे। क्यों रो रहे गाइस? इसीलिए मम्मी और अब्बा बोलते हैं कि तुम लोग बच्चों लोग इतने बड़े हो गए कि आज हम लोग से कुछ मांगते नहीं हो, हम लोग को अफसोस है, तुम हम लोग से मांगते क्यों नहीं हो, बताओ। मम्मी नहीं बोलती, अब्बा बोलती है। देखे 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 खुद अकेले अपना कहीं लेना। देखे मम्मी अब बोलो, दोनों की आंखें देखो भाई, एकदम लाल लाल आंखें हो गई है, एकदम रोने बैठ गए थे। बोलो अब्बा को जल्दी जल्दी, कल अब्बा ने 500 भिजवाए क्या? तुम लोग जाओ मेरे बाप। हाँ ठीक है हाँ नहीं था, कल अब्बा ने 500 रुपए भिजवाए। वो तो अब्बा हर मतलब शादी से पहले, शादी से पहले इन लोगों को यही दुख है कि हम लोग खुद कमा रहे हैं तो सभी का कर रहे, बट इनसे नहीं मांग रहे। तो मम्मी वो कौन सी गाड़ी चीज़ जरा बोल दो अब्बा को, कितने की आती है? 9 लाख रुपए की आती है, Z900। बच्चे मांगते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है। हाँ तो लाओ दो ना, नहीं अभी मत मांगो। हाँ दो ना, दो ना, दो ना। हाँ नहीं दो, अच्छा लाओ अभी हैसियत के हिसाब से दो, मैं निकल जाऊँ थोड़ा। गुड लक, इतनी गारंटी देता हूँ हमारे जाने के बाद तुम लोग सुखी रहो। अरे यार ये तो एकदम मरने मराने की बात पे, कैसे लोग हैं? बहन तो इतनी उम्र भी नहीं है, देखो तो किसी का भरोसा नहीं गाइस। ये उम्र का साइड इफेक्ट है, मरने मराने की बात करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह और शिफा दे हमारी उम्र भी लग जाए। कैसे लोग हो तुम लोग यार, कैसे लोग हो एकदम इमोशनल। अरे क्या हो गया, क्या हो गया अब्बा? अरे यार यहाँ पे बच्चों के बच्चे हो रहे हो और तुम लोग बच्चे बन जा रहे हो एकदम यार, रोते रोते। चलो अपन कहीं घूम के आते। चले चले काम हो, राउंड मार, गाड़ी लेके आओ, गाड़ी दरगाह जाके आते, पुंचरो दरगाह, तुम्हें गाड़ी लेके आता हूँ। 2 बजे तो क्या हो गया, 2 बजे तो दरगाह खुली नहीं। हाँ बाहर जाके सलामी देके आ जाएंगे। अच्छा गाड़ी पे जाएंगे, चलो बाइक पे, बाइक पे, बाइक पे जाएंगे, चलो फटाफट जाके आते, चलो चलो बाइक पे जाएंगे, चलो चलो अब्बा कल कल जाएंगे। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, अब्बा मम्मी ऊपर रो रहे थे, उन लोगों को चुप कराया, हम लोग बस निकल ही रहे थे। और मैं लेके जाने वाला था ये वाली बाइक, मेरी एक्सेस, लेकिन गाइस इसके ऊपर सत्के की मुर्गी बैठी है और मैं नहीं चाहता कि एक सत्के की मुर्गी के ऊपर दूसरी सत्के की मुर्गी बैठ जाए। ये तुम भी काला कपड़ा पहनो नहीं था इसके लिए। तो मैं ये वाली बाइक लेके जाऊंगा, अब बस वो गाड़ी को धुलाएंगे उसके बाद ही वो लेके जाऊंगा मैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं निदा के घर पे, और गाइस निदा के घर पे हम लोग आने वाले थे क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं, वो लोग सब गए अजमेर घूमने के लिए और हमें चाबी देके गए, तो हम लोग यहाँ पर आए। और गाइस निदा के मम्मी डैडी ने बोले थे निदा के मम्मी डैडी ने बोले थे निदा सुफियान जब तुम लोग घर पे जाओगे तो प्लीज घर के दरवाजे पर जाओगे, दरवाजा खोलना, खिड़की खोलना, क्योंकि हम लोगों ने झिंगुर मारने की दवा डाले घर में, बहुत बास रहेगी। तो कैसे हम लोग घर में घुसे तो बास तो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं आई, लेकिन हमें कुछ और देखने को मिला। क्या देखने को मिला? जिंगुर जिंदा है, जिंदा है हमारे घर में, देखो जगह टाइम। क्या सीन है ना, ये पूरे टावर में और बॉम्बे के आधे से ज्यादा टावर में, अपने नवी मुंबई में भी है टावरों में। मम्मी को फोन लगा, जरा बताओ, देखो इधर भी जिंगुर का उल्टा और ज्यादा जिंगुर दिख रहे हैं मेरे को तो, नहीं था पहले से। ये जिंगुर मारने की दवा, जिंगुर पैदा करने की दवा है। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है डड्डू, तुमने जिंगूर पैदा करने की दवा लेकर आ गए हो। क्या डड्डू तुमने क्या दवा मारे थे? क्यों? यहाँ पे एक कॉकरोच मरे नहीं है, जिंदा होगा, जिंदा होके और पैदा कर रहे, तादादी बढ़ गई है लोग की पहले से। अंडरटेकर बन गए, अंडरटेकर बन गए तुम्हारे कॉकरोच। एक भी लाश नहीं दिखी है मेरे को, एक लाश बोलना सबूत कल के ब्लॉग पे देखना। फुल बस्तड़ी है। कैसी दवा मारते भाई तुम्हारे? गाइस मेरे डड्डू से दवा नहीं, कभी नहीं लेना गाइस, और ब्लॉग में कभी बोले ना कि हम लोग के पास दवा है तो मानना नहीं। तो गाइस इसी के साथ मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अब आ गई है बारी सोने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और आपके व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, लव यू, अल्लाह हाफिज। और हाँ गाइस माँ बाप होते ही इसीलिए अपने बच्चों के लिए रोते, तो प्लीज गाइस अपने माँ बाप को हर्ट मत किया करिए, और ना उनका दिल दुखाए, जो माँ बाप बोलते सुन लीजिए करे, अगर नहीं आपको नहीं सुनना तो आप उनको समझा सकते हैं कि आपको क्यों नहीं सुनना है, अपनी बात रखना चाहिए, फिर भी वो नहीं समझ रहे तो उनकी खुशी के लिए आपको कर लेना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात है नहीं। चलो गाइस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज।